आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। ग्राम पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के 3 दिन शेष हैं। आपको बता दें, जिले के नलखेड़ा और सुसनेर तहसील में मतदान 8 जुलाई को होना है। ऐसे में गांव के मोहल्लों और चौराहों पर चुनावी हलचल तेज हो गई। ग्राम पंचायत गोठड़ा में 3 उम्मीदवारों ने सरपंच पद के लिए दावेदारी की। तीनों का तगड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं हमारे संवाददाता ने जब लोगों के मन की बात जानी तो पता चला कि गांव के भगवान सिंह चंद्रावत को लोग इस बार सरपंच बनाकर उन्हें गांव की जिम्मेदारी देने का मन बना रहे हैं। भंवर सिंह चंद्रावत ने बातचीत में बताया कि गांव के सभी बुजुर्गों और युवाओं ने मुझे उम्मीदवार बनाया। ऐसे में उनके आशीर्वाद से निर्वाचित होने पर मैं गांव के सभी वर्गों की समाज के लिए मांगलिक भवन बनाना, गांव में गौशाला बनाना, पात्र हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाना, खेत सड़क योजना से किसानों को खेत तक जाने का रास्ता बनवाना, गांव में सीसी रोड बनवाना, पानी की टंकी बनवाना, सभी के घरों तक नल जल योजना के तहत पर्याप्त पीने का पानी पहुंचाना, गांव में नाली बनाकर और अन्य प्रयास कर पंचायत को स्वच्छ सुंदर बनाना और सरकार की समस्त योजनाओं को धरातल पर लाकर लोगों को उनका लाभ दिलाना, पंचायत का विकास करना ही मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए आगर मालवा से संवाददाता दिलीप सिंह चौहान की रिपोर्ट। हाँ, हमारे गाँव में जैसे मेन समस्या में मूलभूत समस्या है, हर वर्ग के समाज के हर वर्ग को एक मांगलिक भवन की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं बन पाई है। उस समस्या को हम मेन समस्या मानकर उनके मांगलिक भवन का हर समाज के हर वर्ग में निर्माण करवाने की कोशिश करेंगे। और गांव में जैसे नालियां हैं बहुत छोटी छोटी है, इनका गहरीकरण करा के उचित पानी की निकासी की व्यवस्था करवाएंगे। ऐसे अनेकों समस्याएं जो हमारा गाँव अभी भी गवर्नमेंट की योजना से वंचित है, उन योजनाओं को हम धरातल पर गांव के विकास से जोड़कर गांव के हर वर्ग के हर व्यक्ति को उस योजना का लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे। हमारे गांव में जो मूलभूत समस्या से जो गांव जो जूझ रहा है उसका निराकरण हम करना चाहेंगे। अगर हमको मौका मिला तो हम गांव में जैसे खेत सड़क योजना है वो खेत सड़क योजना का निर्माण करवाएंगे। गाँव में जो मूलभूत समस्या है उनका निराकरण करेंगे। गाँव में गौशाला का निर्माण अभी तक नहीं हुआ, गौशाला का निर्माण कराने की कोशिश करेंगे। गाँव का जो ग्रिड पेंडिंग पड़ा है उसको निर्माण करवाने की कोशिश करेंगे। और गाँव में बहुत सारी अभी भी समस्या है, जैसे आवास सूची में बहुत सारों का नाम नहीं है, जो वास्तव में गरीब है उनका नाम हम सूची में जुड़वाएंगे। और गांव में जैसे हमारे गांव में 12वीं तक विद्यालय होना चाहिए, वो विद्यालय की हम कोशिश करेंगे। ऐसे अनोखा समस्या है जो अभी भी हमारा गांव वंचित है, उन समस्या को हम हल करने की पूरी कोशिश हर संभव प्रयास करेंगे। कितने उम्मीदवार हैं आपके पंचायत से? हमारे पंचायत में 3 उम्मीदवार हैं। कुल कितने गांव लगते हैं इस पंचायत में? इस गांव में एक ही गांव लगता है। अच्छा, एक ही पंचायत। 8 जुलाई को आपकी पंचायत में मतदान होना है तो आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? हम इस मुद्दे पे वोट देंगे कि गांव में जो सरपंच पद पे जो 3 उम्मीदवार है उसमें हम अच्छे व्यक्तित्व को देख के, अच्छा चेहरा देख के वोट देंगे, ताकि वो आने वाले समय में गांव का विकास कर सके, सबके हित में कर सके, सभी वर्ग के साथ में वो रहे, सभी के बीच में रहे। मतलब इसके अलावा ऐसा कि जो गरीब है उनके बीच में ज़्यादा रहे, सबकी सुने, और सरपंच का दायित्व यही बनता है कि गाँव में वो घर घर जाए और समस्या के बारे में जायजा ले। अभी वर्तमान में कौन सी समस्या है जिनकी पंचायत को आवश्यकता है? अभी वर्तमान में समस्या यह है कि एक तो अपना अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और एक अपना हाई सेकेंडरी स्कूल। इसके अलावा हर समाज वर्ग के मांगलिक भवन बनना चाहिए, मतलब ताकि वो कोई कार्यक्रम वो करे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आए, व्यवस्थित तरीके से उनका काम हो जाए। और हाँ, पानी की बिल्कुल ये सारी चीज़ें हम व्यवस्थित तरीके से सरपंच से आग्रह कर रहे हैं, और उसी व्यक्ति को हम वोट देंगे जो जनता के बीच में रहे और जनता की सुने, एक बच्चे की भी सुने। और गांव में जो गौशाला का जो है, अपनी गौ माता इधर उधर भटक रही है, हिंदू हित की जो गौ माता है, बताते हैं लोग कि गाय में 36 करोड़ देवता का वास होता है, तो कहीं ना कहीं वो भटक रही है, तो उसके लिए गौशाला का निर्माण करवाया जाए।
ऐसा हमारा एक और हमारा ऐसा है कि पूरे गांव के हित में शमशान रोड जो है, शमशान रोड हमारे यहां बहुत दिक्कत है। यहां से करीब करीब 2-3 किलोमीटर शमशान में छाया भी चाहिए, वहां पे छाया भी और शमशान, वहां के लिए व्यवस्था, पानी टंकी जो भी और रोड पूरे गांव के हित में है। सभी का वहां अंतिम दाह संस्कार वहीं होता है गांव में, गांव से नदी पे साइड में।